प्रधानमंत्री ने छोटे व मझोले व्यापारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मुहिम की शुरुआत की और नाम दिया वोकल फॉर लोकल। और वहीं अब दिवाली पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से अपील की है कि दिवाली पर्व पर ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदें। अजय कुमार। अजय जी, दिवाली का त्यौहार है, आपने शॉप लगाई हुई है, किस चीज़ की शॉप लगाई हुई है आप? मूर्ति की और मोमबत्ती की शॉप लगा रखी है। कैसी आपकी बिक्री? सेल बहुत कम हो रही है मैडम, और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं निकल रहा है। ये जो आपके दीपक हैं, ये सब यही भारत में बने हैं या चाइना? ये सब भारत के बने हुए हैं। भारत के बने हुए हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता से अपील की है कि आप जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो दीपक यहाँ बन रहे हैं, उनकी खरीदारी करें। आपको लगता है उस अपील से आपकी खरीदारी पर कुछ, बिक्री पर कुछ फर्क आएगा? बिक्री फर्क आना चाहिए। अभी तो 4 दिन रह गए दिवाली के लिए। अब जो भी अभी ग्राहक आ रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ की बिक्री हो रही है। हो रही है बिक्री आपकी। शुभम मित्र। हाँ शुभम जी, देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता से अपील की है कि दिवाली पर्व पर आप जितना हो सके स्थानीय उत्पादों को खरीदें। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है, कितना कारगर है ये वोकल फॉर लोकल जो उनकी मुहिम है? हाँ जी, मैं ये बहुत ही अच्छी मुहिम है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू की है। और मेड इन इंडिया, चाहे लाइट्स हो गई हमारी जो हम लगाते हैं घर में, चाहे दीपक हो गए, ये बहुत ही एक ज़रूरी उन्होंने स्टेप उठाया है हमारे देश की इकनॉमी बढ़ाने के लिए और हमारे प्रगति के लिए। तो मैं ये ज़रूर मतलब इसके समर्थन में हूँ, और मैं खुद भी मेड इन इंडिया सामान प्रेफर करता हूँ देन चाइना, और मैं खुद भी इसी की खरीदारी करूँगा। तो आप मानते हैं जो छोटे मझोले व्यापारी हैं जो सड़क पर बेचारे दीपक लगाकर बेचते हैं अपना, उससे मोदी की अपील से उनकी बिक्री पर कुछ फ़र्क आएगा? ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इससे जो बनाते हैं, जैसे जो दीपक बनाते हैं, तो उनको खुद बहुत ही, उनको अपने अंदर बहुत उनको कॉन्फिडेंस फील होगा, और इससे वो और ज़्यादा बनाएंगे, और ज़्यादा बनाएंगे, और अच्छे से बनाएंगे, और मेहनत से बनाएंगे, तो वो चीज़ उनकी कारीगरी उस दीपक में दिखेगी। तो उससे जो बंदा लेने वाला है, जो कंज्यूमर है, उसको भी वो चीज़ लेने में अच्छा लगेगा, और पैसे वाइज भी वो चीज़ वैल्यू फॉर मनी लगेगी उन्हें। आप भी खरीदारी करने आए हैं, आपने क्या क्या खरीद लिया? अभी तो हम आए हैं जस्ट, बट हाँ, दीपक लेने हैं और लाइट लेनी है और पूजा के लक्ष्मी जी वगैरह लेने हैं। तो अभी हमारे यही फोकस रहेगा कि हाँ, जो हमारे देश की बनी हुई चीज़ है, उस पर हम ज़्यादा महत्व दें। जी, 4 दिन बाद दिवाली है, आप दिवाली की खरीदारी करने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि जितना हो सके आप स्थानीय उत्पादों को खरीदें। बिल्कुल, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, और हमें करना भी चाहिए उन लोगों का प्रोत्साहन। विदेशी चीज़ों पे क्यों ध्यान देते हैं? हमारे देश में इतना अच्छा चीज़, इतनी क्वालिटी, और इतने अच्छे लोग बनाते हैं, तो हम चाइनीज़ चीज़ों पे या जो भी है लाइटनिंग में हम क्यों ध्यान दें? दिए जलाइए आप, कितना अच्छा लगता है उनकी रोशनी, लाइट में वो बात ही नहीं आ पाती। तो आपको लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, बहुत सही, छोटे जो मझोले व्यापारी हैं जो दीपक बनाकर किनारे बेचते हैं, उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? मिलना चाहिए। मैं तो सभी से अपील करूंगी कि लाइट खरीदने से बेहतर है दिए खरीदें, चाहे कम खरीदें, चाहे कैसे भी चलाएं, उनका भी फायदा है, और घर में जो जगमगाहट होती है उसकी बात ही अलग है। आप भी खरीदारी करने आए हैं जी, क्या क्या ले लिया? अभी तो शुरुआत करी है, लेकिन दिए हैं, गणेश लक्ष्मी हैं, गुजरिया जो हम लोगों के यूपी साइड में बहुत होती है मिट्टी के, तो कोशिश है कि वो ही लेंगे। लाइट मैं प्रेफर भी नहीं करती, और मैं लगाती भी नहीं, तकरीबन नहीं लगाती। उत्पादों से ही खरीदेंगे? बिल्कुल, तकरीबन मैं दिए लेती हूँ, और मैं पूरा सारी, अभी 5 तारीख को जो भी उन्होंने किया था, मैं अपनी पूरी बात जो भी है घर में कोशिश करती हूँ मैं दिए जलाऊँ। संगीता गर्ग। संगीता जी, आप दिवाली की खरीदारी करने आए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि जितना हो सके स्थानीय उत्पादों को खरीदें, किस तरह से देखते हैं आप? तो ये तो सही है ना, स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे तो कम से कम वो रोज़गार बढ़ेगा जी। यदि हम बड़े आउटलेट्स, तो वैसे भी उनको प्रॉफिट बहुत होता है,
यदि हम छोटे उनसे खरीदेंगे तो कम से कम उनकी दिवाली है और फाइनेंशियली देश के लिए ठीक है। जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो मेड इन इंडिया हैं, चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये तो। चाइना से तो बैन कर बैन है कोई, मेरे ख्याल से बहुत लोग तो इस चीज़ के लिए अवेयर है, वो ले भी नहीं रहे चाइना के, मेरे जानने में तो जितने हैं कोई भी नहीं ले रहा, लेना भी नहीं चाहिए। यस बिल्कुल, भारतीय उत्पादों को ही प्रेफर करूँगी। देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री की ये मुहिम कहां तक कारगर होती है और ये दिवाली कोरोना काल के बीच में छोटे व मझोले व्यापारियों के लिए क्या खुशियां लेके आती है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए वरुण श्रीवास्तव, नोएडा।